दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रत धियश्चते। दास के लक्षण चल रहे हैं, उसमें पहला लक्षण है आश्रय। आश्रय माने श्री श्रेणे धातु, सहारा लेना। आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग दो अर्थ में काम में आता है व्याकरण में। हाँ, और आगे आ जाओ, पीछे लोग रहते हैं। जगह नहीं रहती पीछे। आंग मर्यादा अभिविधौ, तो यहां पर संपूर्ण रूप से इस अर्थ में आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण रूप से एकमात्र उन्हीं का सहारा लेना यह आश्रय है। संपूर्ण रूप से सहारा लेने में सबसे बड़ा विघ्न मैं, अपना देहाभिमान। स्त्री पुत्र आदि तो पीछे हैं, मनुष्य साधु भी बन जाए, मान लो वन को चला गया, तो भी वहां स्त्री छोड़ा, पुत्र छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, लेकिन वो शरीर तो साथ में रहता ही है, मैं तो साथ में रहता ही है। और वो नहीं छूटता है, बल्कि अनुभव तो यह है कि मैं और बढ़ जाता है उसमें। अपने आप को मनुष्य श्रेष्ठ समझता है, हम विरक्त हैं, साधु हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, ये सब झगड़ा ना हम विप्रो ना च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नोवा वर्णी न च गृहपति नापि नो वनस्थो यतिर्वा। ये सब चीजें विघ्न हैं, किसी प्रकार का भी मैं है। हम यति हैं, हम साधु हैं, हम वर्णी ब्रह्मचारी हैं, तो वो सब इसमें विघ्न है। हम क्या हैं, केवल इतना ही सोचना चाहिए। गोपीर भर्तु, जो भगवान गोपीनाथ हैं, उनके पद कमल के दासों के दास के दास हैं। दास दास अनुदास, दासों के दास हैं। तो ये मैं और मेरा अपना बल, उसी में कर्तृत्व भी आ गया, बल में कर्तृत्व की शक्ति। हम एक काम कर सकते हैं, ये सब बाधा है। कर्तृत्व
कर्तृत्व शक्ति, ये सब बाधा है। जैसे कि ब्रज गोपियों को भी भागवत में आता है, मान हुआ तो भगवान छोड़ के चले गए। तो वो किसी प्रकार का मैं, किसी प्रकार का मान है। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत, उस मैं का शमन करने के लिए और कृपा करने के लिए चले गए। ये हम लोगों को ज्यादा होता है, हम विरक्त हैं, साधु हैं। एक कहावत है कि बिल्ली निकालने गए, ऊंट घुस आया घर में। बिल्ली को निकालने का प्रयत्न किया तो ऊंट घुस गया। इससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। हम स्त्री छोड़ आए, पुत्र छोड़ आए, घर छोड़ आए, और वो मैं, जैसे उदाहरण है, मिली मुनि बृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चो न चलाई। ऋषियों का समुदाय, बृंद मने समुदाय, भगवान जब दंडक में गए तो उनके साथ घूमता था, लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं किया, याद भी नहीं किया। कारण क्या था? कोई कारण तो होगा। ऐसा नहीं कि वो भगवान का किसी से द्वेष है, उनमें अहम था। कैसे पता अहम था? जिन्होंने भक्तमाल पढ़ा है, शबरी को छेक दिया था, छेक माने तिरस्कृत करके समाज से बहिष्कृत कर दिया था, और उसको पानी भी पंपा में, सरोवर में नहीं लेने देते थे। तो भगवान ने कभी याद भी नहीं किया ऐसे ऋषियों की। मिली मुनि बृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चो न चलाई, कभी उनकी चर्चा ही नहीं भई। जबकि इतने बड़े बड़े ऋषि थे वे, लाखों लाखों वर्ष के समाधि लगाने वाले। एक बड़ा विचित्र उदाहरण है, क्योंकि उनमें मैं था, कर्तृत्व था, और उस मैं को चूर्ण करने के लिए भगवान ने एक विचित्र लीला रची। उसको जब से बंद किया था पानी बानी, तो उसमें कीड़े पड़ गए थे भक्तापराध से। तो जब भगवान गए हैं तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आपके चरणों से गंगा जी निकली है, और आपके जो सारे संसार को पवित्र करती है, इसलिए आप अपना चरण उस पंपा सरोवर में स्पर्श करावें तो उसके कीड़े दूर हो जाएंगे। नीच भीलनी जात के स्पर्श से जो कीड़े आ गए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो, ऋषियों की बात कैसे टाल सकते हैं। गए हो और अपना चरण जब पंपा सरोवर में छुआया तो छोटे छोटे कीड़े बढ़ के सूंड इतने बड़े बड़े बन गए। तो बोले ये क्या?
बोले भाई ये तो सहज सरल भाव है, बात है कि भक्तापराध वो अक्षम्य होता है और वो मिटता नहीं है। हमारे में शक्ति नहीं है कि हम भक्तापराध को मिटा दें। सब लोग आश्चर्य से देखने लग गए। बोले सनातन नियम है ऋषियों, याद दिलाया उन्होंने अम्बरीश का प्रसंग और दुर्वासा का उस समय, और उस प्रसंग में उन्होंने ये भी कहा कि उसका शमन तभी हो सकता है जब उसी भक्त से क्षमा मांगी जाए और उसको परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। एक सनातन नियम है। भगवान ने स्वयं कहा था, वो दुर्वासा जी से, कि मैं ऐसे लोगों को साधु हृदय मह्यम साधूनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानती ना हम तेभ्य मनाम अपि 9468। मैं और कोई धर्म नहीं जानता। यहाँ पर इस श्लोक के भाव महात्माओं ने लिखे हैं कि मदन्यते न जानती ना हम तेभ्यो मनाग अपि, इसका अर्थ किया है चार प्रतिज्ञा यहां भगवान ने तोड़ दिया। नाहम तेभ्यो मनागपि, इसका अर्थ किया है एक तो भगवान शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए दुर्वासा, ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, आरती हरण कष्ट हरण करने वाले वही भगवान ही हैं, तो ये सब जितनी भी उनकी प्रतिज्ञाएं थी, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि तुम हमारी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये प्रतिज्ञा उन्होंने तोड़ दिया इस वाक्य से। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, और हमें उनके अलावा कोई भी न प्रतिज्ञा याद है, न बिरद याद है, न व्रत याद है, लेकिन तुम आए हो तुम उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान तो दयालु हैं, सदा दयामय स्वरूप है। गोसाई जी लिखा है मूरत कृपामयी है, उनका अंग अंग कृपामय है। तो वहां उन्होंने 9469 में बताया है, उपायम कथिष्यामी, उपाय हम बता सकते हैं, हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम भक्तापराध को मिटा दें। उपायम कथिष्यामि तव बृप्र शृणुषु शृणुषु तत्, हे ब्राह्मण, विप्र कहने से मतलब मैं ब्राह्मण देव हूं, ये बात टूट गई।
भगवान के अनादिकाल का व्रत है कि भगवान ब्रह्मण्य देव है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों गायों के लिए उतार लेते हैं भगवान, देवताओं के लिए भी लेते हैं, संतों के भी लेते हैं, चारों को। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये हमारा शरीर है ब्राह्मण, और ये उन्होंने तीसरे स्कंद में कहा है कि ये ब्राह्मण हमारा शरीर होता है, है? सो अच्छा उन्हें वो अलग है, दूसरा श्लोक कह रहे हैं भगवान का ब्रह्मण्य देव का जो प्रतिज्ञा है वो है 3:16:10। ये में तनूर द्विजवरान, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे शरीर तनु माने शरीर है। गाय दूती भाई जो दूध देने वाली हमारा शरीर है, अशरण अनाथ प्राणी हमारे शरीर हैं, इन पर जो क्रोध करते हैं उनको यमराज के जो नरक में गीध हैं उस सर्प से ज्यादा क्रोधित हैं, और वे उनको नोचते हैं खाते हैं। फिर इस 11वें श्लोक में ब्राह्मणों की महिमा बताई है कि ब्राह्मणों को जो क्रोध में है और मार रहा है उसको भी जो मनाता है तो मुझे जीत लेता है। लेकिन ये जो प्रतिज्ञा है कि मेरा शरीर है ब्राह्मण, वो भगवान ने छोड़ दिया। विप्र इसीलिए कह रहे हैं मैं जानता हूं कि तुम ब्राह्मण हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। विप्र शब्द का इसीलिए प्रयोग किया है। और भक्ति कैसी शक्ति है, जब ब्राह्मण की बात आ जाती, ब्राह्मण भगवान का शरीर है, स्वयं भगवान है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मणो मुखम अस्यासी, ब्राह्मण मुख है भगवान का। लेकिन भक्ति वो शक्ति है कि भक्ति नहीं है किसी ब्राह्मण में 12 गुणों से युक्त है, श्रोत्रिय है, वेद अध्ययन जन्मना जायते जन्म से ब्राह्मण होता है, संस्कारैर द्विज उच्यते, संस्कार से उसको द्विज कहा जाता है, और फिर अध्ययन वेद अध्ययन से उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। ब्राह्मण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो जन्मना ब्राह्मणों जन्म से ब्राह्मण होता है, संस्कार ही द्विज उच्यते, संस्कार जब हो गया जनेऊ वगैरह तो द्विज बनता है, दूसरा जन्म द्वाभ्यम जायते, फिर जब वो वेद अध्ययन सब करके पारंगत हो जाता है तब तो श्रोत्री कहते हैं। श्रोत्री ब्राह्मण
अन्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो श्रुतियों का ज्ञाता है। तो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, किंतु भक्ति नहीं है। और दूसरी तरफ एक चांडाल है, जिसका मुंह भी नहीं लोग देखते थे पहले। प्राचीन काल में एक परंपरा थी, चांडाल अलग गांव से रहते थे, शुपज बांड बाल्मीक अलग जाके नगर में नहीं रह सकते थे चांडाल लोग। नगर के भीतर जब प्रवेश करते थे किसी कारण से तो घंटा बजाते आते थे, लोग हट जाएं, उनको न देखें न छुएं। इतना कट्टर जाति प्रथा थी किसी जमाने में। तो जो जिसका मुंह देखना भी पाप है, अगर उसमें भक्ति है तो 12 गुणों से वेदाध्ययन इत्यादि गुणों से युक्त श्रोत्री से भी उच्चांडाल श्रेष्ठ हो जाता है। भक्ति वो शक्ति है। इस बात को प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहा है, विप्राट द्विषट गुणाद 7, 9, 10 अरविंद नाव पादारविंद विमुखा छपचम चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो इतना श्रेष्ठ है चांडाल कि वो अपनी 21 पीढ़ी को तार देगा भक्ति कारण। जिसमें सच में भक्ति है, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम, कुल तार देगा। लेकिन ब्राह्मण न अपने को तार पाएगा न परिवार को, क्योंकि इसमें मैं है भूरिमान। भक्त में मैं नहीं होता है, मैं इतना गंदा है, अभिमान इतना गंदा है कि वो आदमी न अपने को तार पाएगा न अपने परिवार को न कुल को, वो तो नाश कर देगा। जैसे रावण का अहम था, और रावण के अंदर जो बात थी वो केवल अगर कहा जाए उसने बड़ा पाप किया, ठीक है अत्याचार किया पाप किया, ये तो बात सही है, लेकिन मूल जो उसका दोष था वो, और इधर बैठा करो सरक को, तुम लोग चोर की तरह क्यों बैठते हो, क्या आदत है, और सरक चलो सब लोग इधर। कथा में वक्ता के अभिमुख बैठना चाहिए, हमेशा चोर की तरह बैठते हो पीछे। जो पहले आ जाते हैं मतलब पीछे आने वाले, मान लो अब माँ छिपा में तो ठीक है भाई हम पीछे आए हैं, देखो उनको भी नहीं छिपाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि तुमने 30 करोड़ वर्ष तक राज किया और पाप ही पाप किया। रावण माने रावयति इति रावण है, जो रुला दे सबको, रू धातु से ण्यंत प्रत्यय करके और ल्युट प्रत्यय करके रावण बना है। ण्यंत करने से रू का तो रूप चलेगा रऊ थी, लेकिन ण्यंत होने से रावयति शब्द चलेगा, तो रावयति इति रावण रुला दिया तीनों लोक को, सब
दुराचार किया, देवांगनाओं को हरण करके लाया, बहुत पाप किया। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि तुम अगर अहम छोड़ दो तो सब पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नुस्खा बताया। अहम छोड़ के भगवान की शरण में चले जाओ तो सारा 30 करोड़ वर्ष का तुम्हारा अनंत पाप खत्म हो जाएगा। अरे वो राक्षस लोग अपने जीजाई को मार डाला था, शूर्पणखा के पति को, तो बड़े। तो सुंदरकांड में 23वें दोहा में कहा है कि तुम ये अहम छोड़ दो सब पाप खत्म। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, केवल अहम छोड़ दो। अहम छोड़ करके भगवान की शरण चले जाओ, सब खत्म। और नहीं जाओगे तो इसके ऊपर ठीक 23 के ऊपर उन्होंने कहा है, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, एक दो नहीं हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे राम से द्रोह करने कारण। तो अहम ऐसी चीज है, अहम के कारण वो ब्राह्मण न स्वयं पवित्र होगा न दूसरे को कर पाएगा। सकुलम न तु भूरि माना मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम, वो चांडाल पवित्र कर लेगा क्योंकि उसका समर्पण है सब सब इंद्रियां मन बुद्धि कर्म ईद सारी क्रियाएं, और ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। है जो स्वपच कुत्ते को भी मार के खा जाता है, कुत्ता का मांस सबसे निकृष्ट होता है, मनुष्य कोई जीव नहीं छोड़ता, वो सबको खा जाता है। श्वानम पचति इति स्वपाक, तो वो अत्यधिक निकृष्ट होता है, कोई जीव नहीं बचा उससे, सबको खा जाएगा। जब कुत्ते को खा जाता है जिसको रखता है हिंसा के लिए, तो और क्या चीज है। जो इतना हिंसा करता है उसके अंदर कोई दया इत्यादि कोई चीजें होगी नहीं, क्योंकि चांडाल लोग कुत्ते रखते थे, शिकार में कुत्ते सहायता देते थे, और कृतज्ञता रखनी चाहिए। कुत्ते भी, कुत्ता भी कृतज्ञ है। कुत्ता को तुम टुकड़े डालो तो रखवाली करता है, कुत्ता में एक गुण होता है, लेकिन चांडाल इतना कृतज्ञ होता है उस कुत्ते को भी खा जाता है जो उसकी रक्षा करता है, वो कृतज्ञता की पराकाष्ठा है चांडाल। तो वो चांडाल भी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, भक्ति वो शक्ति है। तो भगवान ने कहा कि उपायम कथिष्यामि 9:4:69, विप्र मन हे ब्राह्मण, हम जानते हैं तुम ब्राह्मण हो, श्रृणिष्व तत् उपाय बता रहा हूं। अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वै भगवान, कि ये जो आपका अभिचार है अपना आपका अनिष्ट जहां से हुआ है यानी अम्बरीश से हुआ है वहीं पर आप जाइए, अन्यथा अनंत काल तक भटकते रहोगे। अरे जब भगवान ही नहीं कर पाए तो और कौन कर सकता है,
इसके माने अनंत काल तक। इसीलिए मनुष्य को भक्तापराध से बचना चाहिए। अपराधों की कोटियां होती हैं, अपराधों को बता तो नहीं, अपराधों की कोटियां होती हैं। वो मान कह तो रहे, सुनो पहले, वृत्रासुर में और अम्बरीश में फर्क है ना। वृत्रासुर को मारा और अम्बरीश, दोनों के अपराध में फर्क है ना। हम बता तो रहे हैं, अपराधों की कोटियां होती हैं। वृत्रासुर असुर था और अम्बरीश भक्त थे, तो वहां ठीक कहा है, वृत्रासुर को मारने का पाप उससे नष्ट हो जाएगा और अम्बरीश भक्त हैं। असुर योनि थी ना उसकी, देवताओं को जीता, कष्ट दिया, वो ठीक है, लेकिन उसको उसके जो कर्म थे तो असुर के ही। दोनों को अलग अलग स्वरूप है। और वृत्रासुर ने स्वयं कहा है कि मैं मरना चाहता हूँ और भगवान के विपक्ष में हूँ, जहाँ भगवान है वहाँ विजय होगी। हम जानते हैं मैं असत पक्ष से चल रहा हूँ, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि हे इंद्र, ये जो तुम्हारा वज्र है, ये दृश्य दिधि चेस तपसा च तेज नन्वेश वज्रस तव शक्र तेजसा। स्वयं कह रहा है कि हे इंद्र, मैं जानता हूं ये तुम्हारा वज्र है, नन्वेश शक वज्रस्तव शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च ये जीता। इसे भगवान का और दधीची का तेज है, तो माँ सहिष्ठा नव गदेव वज्रम, वज्र की तरह बेकार, वो गदा की तरह बेकार नहीं जाएगा। यतो हरिर विजय शरीर गुणास्तथा, जिधर भगवान है, भगवान इस समय तुम्हारे पक्ष में है, ऋषियों के, देवताओं के, तो जहाँ भगवान है वहाँ हम विपक्ष में लड़ रहे हैं देवताओं के, सारे संसार के। तो उसके अपराध में, अम्बरीश के अपराध में बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरी बात यह है, जो निस्तीर्य देव हलनम जो भगवान ने कहा, इसका उत्तर रूप गोस्वामी जी ने किया है, आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। इसका टीका जी गोस्वामी जी ने किया है, रूप गोस्वामी जी के भक्ति रसामृत की, कि अनुकूल भाव से ही भक्ति की इजाजत दी गई है। क्यों? कोई कहे प्रतिकूल भाव से भी तो रावण इत्यादि ने भजन किया था, बोले वो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, वो उनकी सामर्थ्य, पार्षद थे, भगवान की इच्छा थी। तो निस्तीर्य हेलम, ये भगवान की इच्छा से उनमें शक्ति थी, प्रतिकूल भाव से तादात्म्य को प्राप्त हुए, हम लोग में वो शक्ति नहीं है। जीव का क्या अधिकार है आचार्य ही बताते हैं, इसलिए उस श्लोक को हम लोग अपने ऊपर नहीं घटावे, हम इतने सशक्त नहीं हैं। तो इसलिए जगह जगह अपराधों की कोटि होती है अलग अलग। अम्बरीश
तो उन भक्तों में हैं जिनके लिए भगवान कह रहे हैं मैं कुछ जानता ही नहीं उनके सिवाय। तो एम यात्मा विचारस्ते यतस्तम या तो वही भगवान। अपराधों की कोटियां होती हैं, भक्त भक्त अपराध करते हैं, तो उनको भी दंड मिलता है। अपनी अपनी कोटियां होती हैं, जैसे यहां क्राइम अपराध किस ढंग का है जज सोचता है। अगर ऑफेंस में तुमने मारा है तो दोषी हो, डिफेंस मारा है आप रक्षा के लिए तो छोड़ दिए जाओगे। जैसे उदाहरण इन्होंने पूछा है तो दे रहे हैं, वेदिशिरा ऋषि थे, वेदिशिरा देवशिरा, वो तप करने गए उनके पास जंगल में, तो पहुंच गए वेदिशिरा, तो बोले इसी जंगल में तप क्यों करते हो भाई, और आगे दूसरे जंगल में चले जाओ। तो दोनों में बहस हो गई कि क्या जंगल तुम्हारा है, ये सब भगवान का है। तो दोनों में अहम जगा, अहम जगा जहां फिर गड़बड़ हो जाता है, भक्त अपराध होता है। बात बढ़ गई, बोले जंगल तो हमारा तो नहीं है, लेकिन हम यहां रह रहे हैं पहले से, भजन कर रहे हैं, तुम हमारे सामने आसन लगाते हो, दूसरी जगह क्यों नहीं जा सकते हो। तो बोले काव 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 करता है, जो हम कहते हैं वो बात मानता नहीं है, ऋषि बनता है। तो वो भी बोले अरे फुसकारता है सर्प की तरह, आदमी को देख के चढ़ता है, जा तू कौवा बन जा, बोले जा तू सर्प बन जा। अब दोनों ने भक्त अपराध किया, अब भगवान को प्रकट होना पड़ा। अब दोनों ने भगवान को चल पकड़े, क्यों भगवान से तो इष्ट हैं सबके, भक्त भक्त लड़ पड़े। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम दोनों को शाप सही होगा, तुम तो काग भुशुंडी बनोगे कौआ, और तुम कालिया नाग बनोगे, तुम्हारे ऊपर हमारे चरण पड़ेंगे। तो दोनों का शमन कर दिया। तो इसलिए अपराधों की कोटियां होती हैं। तमाम अब वो हैं, तो वो ललिता जी का ही नहीं है, श्री दामा जी का कई है। मूल बातें हैं, मूल बात पर आना चाहिए कि अहम सबसे बड़ा भक्तापराध का कारण होता है, भक्ति में नाशक होता है। तो भगवान ने कहा कि उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। अयम ही आत्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वही भवान। जहां से आपको यह अनिष्ट अभिचार हुआ है वहां जाओ, साधुषु प्रहितम तेज, निरपराध साधुओं में शक्ति का तेज का प्रयोग करने से उल्टा उसी को अशुभ कल्याण अमंगल हो जाता है। यहां पर कहा है कि ब्राह्मण के लिए तपस्या उपस्या जो शक्ति है उल्टी हो जाती है,
आम आया और भक्त का अपराध हुआ। तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभु, लाखों वर्ष तप किया, सब वेदाध्ययन वगैरह विद्या किया, लेकिन अहम आ गया, दुर्विनीत उदंड हो गया, तो अन्यथा उल्टा फल मिल जाएगा। तो इसलिए हे ब्राह्मण, ब्राह्मण माने बार बार ब्राह्मण कहा है, तुम चाहे ब्राह्मण भले हो, गच्छ भद्रम ते, आपका कल्याण हो, आप नाभाग के पुत्र अम्बरीश के पास चले जाइए। और उन महापुरुष से क्षमा पे क्षमा मांगिए, फिर आपकी शक्ति, आपको शांति मिल जाएगी। तो इसलिए इतने बड़े बड़े दंडकारण्य में ऋषि थे, लेकिन भगवान ने उनकी याद नहीं किया, क्योंकि उनमें भक्तापराध था अहम के कारण। और इसीलिए हमने दुर्वासा जी को उदाहरण दिया कि देखा जाए तो हम लोगों में साधु बन करके और अहम बढ़ जाता है। हम विरक्त हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये सब झगड़ा है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि नौ वनस्थो यतिर्वा, अपने को यति समझोगे तो मारे जाओगे, भक्ति भक्ति तो मिलेगी नहीं। हम विरक्त हैं, साधु हैं, ये अहम आया और खत्म, भक्ति खत्म हो गई। और हम देखते हैं अक्सर साधु लोगों की भाषा, ए साधु से ऐसा बोलता है, ये बातें गलत है, समझता नहीं तू हम साधु हैं, ये सब शब्द गलत हैं। भक्त तो ऐसा कभी नहीं कहेगा, ना सोचेगा भी नहीं कि हम साधु हैं, हम विरक्त हैं। वो तो किसी प्रकार का मान आया, जब गोपी जनों में मान आया, भगवान उसको नहीं सह पाए, तो हम तुम तो मक्खी मच्छर हैं। ये एक ट्रेडिशन है, गलत परंपरा है, इसको बिल्कुल समूल छोड़ना पड़ेगा। देखो गंगा जी लिखा है, विष्णुपदी हैं स्नान करने वाले को, भगवान के धाम भेजती हैं, लेकिन गंगा जी नरक को भी भेज देती हैं भक्तापराधी को। गंगा नहाने जाओगे तो सीधे नरक को चले जाओगे, भक्तापराधी को भी नहीं क्षमा कर सकती। वो ये आता है, गोसाई ने इस प्रसंग को लिखा है कि मित्र करई शत रिपु कई करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, मात मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होय विष सुन हरि जाना, सब जह सब जगताही अनिल से ताता, जो रघुवीर विमुख पद भ्राता। संख्या क्या है? दो, अरण्य कांड शुरू में। मां तो मौत का कारण बन जाएगी, स्वयं मां, पिता जमराज बन जाएगा। अमृत पियोगे तो जहर है, मर जाओगे, सब उल्टी चीजें होती हैं।
मित्र शत्रु बन जाएगा। और गंगा जी बैतरणी नदी नरक की नदी बनकर के यातना में भेज देंगी। भगवान और भक्त से विरोध जो करता है, इसलिए भक्त के का विरोध कभी नहीं, भक्त विरोध से डरना चाहिए। तो उन ऋषियों ने, जब भगवान ने कहा कि हमारे चरणों में शक्ति नहीं है दंडकारण्य में, कि भक्तापराधी इनको जो कीड़े थे वो सूंड बन गए, छोटे छोटे कीड़े इतने बड़े बड़े हो गए भगवान के चरण के धोने से, तो वहां पर भगवान ने वही बात कही है जो यहां पर सनातन सिद्धांत है, जो अम्बरीश के बारे में कहा। ये दो श्लोक 9, 4, 70, 71 बल्कि 69 से, जाओ वहीं जाओ 69 में कहा है, अयम यात्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वही भवान, वहीं जाओ। साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरते अशिवम, तब वे ऋषि लोग गए और पालकी में बैठाल के लाए शबरी को। नीच जो जानी जाती थी उसको कंधे पर बैठाल के लाए, पालकी में कहार बने। क्यों, भगवान समझा रहे हैं तो अब समझेंगे क्यों ना। बोले हे ऋषियों, ये सनातन सिद्धांत है, ये 4, 9, 4, 70 ब्राह्मण को तपस्या विद्या भगवान बना देती है, श्रोत्रिय बनता है वो भगवत स्वरूप बन जाता है, जन्मना जायते जन्म से ब्राह्मण, संस्कारै द्विज उच्यते, और फिर जब वो श्रुतियों का अध्ययन करता है तो श्रोत्री बनता है। समस्त विद्याओं को प्राप्त किया, तपस्या से युक्त हुआ, निःश्रेयस कर निश्चित कल्याण हो जाना चाहिए। 4, 9, 4, 70 निःश्रेयस कर निश्चित कल्याण होना चाहिए, लेकिन आ गया ससुर अहम। रावण कम विद्वान नहीं था, रावण जैसा तो विद्वान ही कोई नहीं था। एक पुराण में आता है, वो लेख छपा भी था कल्याण में, कि जब भगवान राम ने शिव प्रतिमा स्थापना के लिए संकल्प किया समुद्र किनारे रामेश्वर जी में, तो ये भी आ गई शैव सिद्धांत का इस समय पृथ्वी में ज्ञाता कौन है, बोले रावण से ज्यादा कोई नहीं है। बोले अच्छा, बोले फिर आप उसको बुलाइए, बुलाएगा जरूर आएगा, उस पक्का शैव है। शिव भक्ति के लिए तो सिर काट के दे दिया उसने, पक्का शैव है। हम लोग भक्त हैं बनते हैं, लेकिन आपस में राग द्वेष करते हैं, भक्त वक्त कुछ नहीं है। रावण जरूर आएगा,
चाहे शत्रु ही आपका, लेकिन शिव के बारे में तो जरूर आएगा। जैसे मुसलमान इस्लाम खतरे में सब एक हो जाएंगे और हिंदू कभी नहीं एक होगा। आज क्या दशा हो रही हिंदुओं की? हम लोग पिट रहे हैं, कूट रहे हैं और एक नहीं हो सकते, चाहे साला सर्व धर्म नष्ट हो जाए। और तो रावण के पास लोग गए तो रावण ने कहा, राम तो गृहस्थ हैं, स्त्री चाहिए, सीता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। दूतों से कहा तो पूछे और राम से, मैं सीता को लाऊंगा फिर वापस ले जाऊंगा अगर उनको मंजूर है तो। गए तो राम को मानना पड़ा कि शिव स्थापन करना है, तो रावण विमान पर सीता को साथ लाया और दोनों ने बैठ करके वहाँ बाकायदा शिव स्थापना भी, और फिर सीता जी को वापस ले गया। तो इसलिए इतना कट्टर शैव था, विद्वान, लेकिन अहम था, जो अभी हमने हनुमान जी को बताया, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। तुम अपना अभिमान छोड़ दो तो अभी भगवान के चरण में मिल जाएंगे, तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन हम जैसे मूर्ख अहम नहीं छोड़ते। रस्सी जल जाए ठंड नहीं जाती रस्सी की, अहम नहीं जाता जीव का। तो इसलिए वहां पर भगवान ने कहा, तपो विद्या च विप्राणाम, उससे निश्चय कल्याण होता है, निश्रेयस करे उभे। लेकिन जरा सा अहम आया, दुर्विनीत, तो उल्टा फल हो जाता है, उतना ही बड़ा विनाश हो जाता है। जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। ते एव दुर्विनीतस्य कल्पयते कर्तुर अन्यथा। तब वे लोग गए, शबरी को पालकी में उठा करके लाए, जिसका दर्शन भी गलत समझते थे। और शबरी के जब पांव छुआए गए तो सब निर्मल पानी हो गया। राम के चरणों के स्पर्श से वो छोटे छोटे कीड़े सूंड़ बन गए और शबरी के चरणों के स्पर्श से पानी निर्मल हो गया। जिनके चरणों से गंगा प्रगटी उनके चरणों से वो सब नरक बन गया और सूंड़ बन करके। राम के चरणों से गंगा प्रगटी, राम उनके चरणों से वो और नरक बन गया। वही उदाहरण दिया ताकत अरण्य कांड में शुरू में, वही गंगा जी तुमको नरक भेज देगी, जो विष्णुपदी है। अहम इतना खराब झगड़ा है, अहम के कारण 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण नारकी बन जाता है और चांडाल जो है अपने कुल को पवित्र कर देता है। इसलिए भक्ति का मूल दैन्य माना गया। तृणादपि सुनेचे न, महाप्रभु जी ने क्यों कहा, सबसे पहला गुण चाहिए, ये अहम नहीं जाता। अच्छा लेक्चर खूब देते हैं लोग, तृणादपि सुनेचे न के लेक्चर बहुत होता है, यानी लेक्चर ही लेक्चर होता है। अहम के लिए लेक्चर होता है कि हम इतना बोले, हम इतना, वो लेक्चर अहम को बढ़ाने के लिए होता है, तृण से ज्यादा छोटा बनने के लिए नहीं होता है। इसलिए इसके रहते तो शरणागति असंभव है। भगवान नारद जी ने कहा है कि भगवान से बड़ा द्वेष कोई नहीं कर सकता,
जितना दयालु भगवान है उतने बड़ा द्वेषी भी है। अरे भाई, भगवान उसके हर गुण बड़े हैं तो अवगुण भी बड़ा है उसका। उसके भांति है, वो सबसे बड़ा शरीर है तो लीड भी करता है तो थोड़ा बहुत नहीं करता, डला का डला निकलता है उसमें से। हम यात्रा कर रहे थे एक बार पैदल, तो गर्मियों में सब छाले पड़ गए, तो हमें याद है इधर पैगाम की तरफ से घूम रहे तो सब पाँव में छाले, तो किसी ने कहा कि बाबा मेहंदी लगा ले, बड़े फफोले थे। हमने कहा भाई मेहंदी हम साधु हैं, मिलेगी कहाँ। तो एक ब्रजवासी ने कहा अरे वहाँ पास में हुसैनी गांव है, वहाँ हाथी है, बाकी लीद में पाँव दया। हमने कहा ये तो कर लेंगे हम। तो उस समय वहाँ हाथी था, पुरानी बात है 58 साल, उस समय उसका नाम था मटोल गुजर। तो हम गए वहाँ, हाथी की लीद में पाँव दिया, तमाम डला के डला पड़ा है। वो सच में फाव तो सब खत्म हो जाता है छाला वाला, ब्रजवासियों ने बताया। तो हाथी जितना हाथी बड़ा है तो उसका वो भी बड़ा होगा। तो भगवान अनंत है तो भगवान का द्वेष भी बड़ा भारी तगड़ा है, द्वेष भी बहुत ज्यादा करता है। बोले किससे कहता है, बोले ईश्वर से आप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद जी ने कहा बड़ा पक्का द्वेषी है भगवान, उसकी दया भी बहुत है तो द्वेषी भी बहुत है। बोले क्यों, वो अहम नहीं सह पाता। अनंत द्वेष है उसमें, थोड़ा बहुत द्वेष नहीं है। नारद भक्ति सूत्र का। और दैन्य प्रियत्वाच, दीनता से उसको प्रेम है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अनादिकाल से रीति है, भगवान बड़ा द्वेषी है, बड़ा द्वेष करता है, लेकिन दया भी बहुत करता है। अहम आया और गेट आउट, जाओ। मिलि मुनि बृंद फिरत दंडक बन सो चर्चो न चलाई। और चर्चा किया भीलिनी की, बारंबार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई। तो ये आश्रय हमारा लोगों का सिद्ध, हम जैसे लोगों का नहीं होता है। आश्रय की बात करते हैं लेकिन आश्रय सिद्ध नहीं होता है, और बल्कि अपराध करा देता है। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे तयो दुर्विनीतस्य। जितना भी जप तप है वो अहम पैदा करके और अपराध कर देता है। तयो दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। हमारा बैराग, हमारा त्याग सब सर अहंकार में चला जाता है। क्या करें, चलो